हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी एक्सप्रेस। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ तीन ही मूवीज़ के बारे में, अनेक जो आज रिलीज़ हुई है। उसके अलावा हम बात करेंगे डे एट कलेक्शन ऑफ भूल भुलैया 2 और कार्तिक आर्यन का क्या कमाल चल रहा है, और उसी के साथ KGF चैप्टर 2 का ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू हम KGF चैप्टर 2 से ही कर लेते हैं, जहाँ पर उसकी वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब 1219 हो चुकी है। काफ़ी बड़ी कलेक्शन है, 1219 करोड़ हो चुकी है, और उसकी ग्रॉस कलेक्शन सिर्फ 2 करोड़ रुपए शॉर्ट है 1000 करोड़ से, यानी कि 998 हो चुकी है। बाय संडे वो 1000 करोड़ भी कर लेगी, और उसके बाद फिर क्लीन स्लेट होगी मेकर्स के पास भी इसको OTT के ऊपर फ्री फॉर ऑल करने के लिए। तो बेहतरीन काम हो गया है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं कि भूल भुलैया 2 का कलेक्शन कैसा जा रहा है। भूल भुलैया 2 का कलेक्शन, जैसे मैंने आपको कल रिपोर्ट किया था, काफ़ी स्टडी है। कल भी इसने 7.5 करोड़ रुपये ऐड करे थे, और आज भी ये 7.5 करोड़ रुपये ऐड करके इट विल क्लोज वेरी नियर टू 100 करोड़ मार्क इन नेट फिगर्स। वैसे तो इसका 125 से 130 करोड़ रुपए टच हो रहा है आज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के अंदर, बट इंडिया नेट कलेक्शन भी दोस्तों कल तक इसकी 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो काफ़ी बेहतरीन है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। 7.5 करोड़ अगर आपके सेकेंड वीक शुरू होते होते हो रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है। इट ऑल्सो शोज़ द स्टारडम ऑफ कार्तिक आर्यन, इट ऑल्सो शोज़ दैट इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई फैमिलीज एंड हैज़ गॉट यूनिवर्सल लव, ये इंडिकेट करता है। इसके अलावा अनेक के बारे में बात कर लेते हैं। अनेक जब मैंने भी देखने गया था, मैंने अपना रिव्यू ऑलरेडी आपके लोगों के साथ शेयर करा है मूवी शूवी चैनल के ऊपर, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। बहुत लिमिटेड लोग आए हुए थे वो थिएटर्स के अंदर, सिर्फ कैपेसिटी अगर मैं बोलूँ तो 7-8% 10% एट मोस्ट होगी। बहुत ज़्यादा लोग पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर इंक्लाइंट नहीं होते, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होता, और वो इसके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दोस्तों फर्स्ट दिन का जो नेट कलेक्शन इसका होने वाला है वो 2.9 से 3 करोड़ रुपीस में क्लोज़ करेगी, विच इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर एन आयुष्मान खुराना मूवी। वर्ड ऑफ माउथ भी इसका मिक्सड रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो कितना पिक होगा सैटरडे संडे में देखने वाली बात होगी, बट वीकेंड बिजनेस अगर थोड़ा बहुत पिक भी होता है तो 4 करोड़ रुपये अगर सैटरडे संडे के अंदर हर दिन ऐड होते हैं तो वो होते हैं 8 करोड़, 8 और 3 करोड़ रुपए, यानी 11 करोड़ रुपए। ये मूवी की जो लागत थी वो करीबन 70 करोड़ रुपए थी, तो मोटा मोटा आप ये लगा सकते हैं अनेक विल बी अ फ्लॉप शो एट द बॉक्स ऑफिस। ये मूवी इतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएगी, और ये इंडिकेटर है मेकर्स को भी कि आपको कहीं ना कहीं जब आप इंटेंस स्टोरीज लेके आते हो तो एंटरटेनमेंट का जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी आपको सोच के रखना होगा। अदरवाइज OTT आजकल एक आपके पास ऑल्टरनेटिव है ही, आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल होते हो, उसको आप छोटे पर्दे के ऊपर भी रिलीज़ कर सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक रीच करता है। तो हम जल्दी मिलेंगे यार कल फिर एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।